मैं जानता हूं कि आपको एक ऐसे डिवाइस की जरूरत है जिससे आप अपनी नॉर्मल एलईडी को एंड्रॉइड या फिर स्मार्ट में चेंज कर सके। और अगर आपने इस वीडियो को यहां पे पूरा नहीं देखा तो एक गलत डिवाइस आप अपने लिए बाय कर लेंगे और ऐसे में आप अपना नुकसान भी करवा बैठेंगे। तो इस वीडियो को यहां पे पूरा जरूर देखिएगा और जानिएगा कि कैसे आप अपने नुकसान से बच सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे डिवाइस बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने नॉर्मल एलईडी को स्मार्ट या फिर एंड्रॉइड में चेंज कर सकते हैं। जो हमारा पहला डिवाइस है वो है एक एंड्रॉइड बॉक्स और जो हमारा दूसरा डिवाइस है वो है अमेज़न फायर स्टिक लाइट वर्जन। अब यहां पे सवाल सबसे बड़ा यह है कि इन दोनों में से कौन सा डिवाइस आपके लिए यहां पे बेहतर रहेगा, आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। अगर आप भी ये बात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। अब यहाँ पे हम साइड बाय साइड कंपैरिजन देखने वाले हैं एंड्रॉइड बॉक्स वर्सेस अमेज़न फायर स्टिक लाइट। अगर मैं इस एंड्रॉइड बॉक्स की बात करूँ तो इस बॉक्स के मदद से आप अपनी नॉर्मल एलईडी को एंड्रॉइड में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर इतनी एबिलिटी है कि आपकी नॉर्मल एलईडी को प्रॉपर एंड्रॉइड में यहाँ पे चेंज कर सकता है। एंड्रॉइड की सारी फंक्शनबिलिटी, सारी स्पेसिफिकेशन और सारी फीचर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे अगर आप इस एंड्रॉइड बॉक्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं तो। अगर मैं बात करता हूँ अमेज़न फायर स्टिक लाइट की तो उसकी मदद से आप अपनी नॉर्मल एलईडी को स्मार्ट में चेंज कर सकते हैं, स्मार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना कि प्रॉपर एंड्रॉइड में। तो ये सबसे बड़ा अंतर है इस एंड्रॉइड बॉक्स और अमेज़न फायर स्टिक लाइट में। उसके बाद तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोनों के प्राइस के बारे में। अगर मैं एंड्रॉइड बॉक्स की बात करूँ तो इसकी प्राइस अप्रॉक्स 2000 रुपये से लेकर 2200 रुपये तक आपको मिल जाएगी लोकल या ऑनलाइन मार्केट में। इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा जहाँ से आप इसको आसानी से बेस्ट प्राइस में बाय कर सकते हैं। और अगर मैं अमेज़न फायर स्टिक लाइट वाले की बात करूँ तो उसकी प्राइस 1700 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक ऑनलाइन यहाँ पर चलती है। अगर आप किसी सेल के दौरान खरीदते हैं तो 1700 रुपये तक में भी आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पर मिल सकता है। तो अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इस एंड्रॉइड बॉक्स और अमेज़न फायर स्टिक की प्राइस अप्रोक्स यहाँ पर सेम है, सिर्फ 100 से 150 रुपये का यहाँ पर अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों डिवाइस के फीचर के बारे में। अगर मैं इस एंड्रॉइड बॉक्स के फीचर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो रिमोट कंट्रोल देखने के लिए मिलता है उसके मदद से आप इसके माउस के कर्सर को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 4K डिस्प्ले की रेजोल्यूशन देखने के मिलती है। इसका मतलब इसके अंदर आप अगर मूवी देखते हैं या फिर किसी भी टाइप के शो को देखते हैं या फिर वीडियोस को देखते हैं तो आप 4K तक में उनको यहां पर देख सकते हैं। साथ साथ इसके अंदर आपको क्वाड कोर का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। वाईफाई का इसके अंदर आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अमेज़न फायर स्टिक की तो इसके अंदर आपको एलेक्सा रिमोट देखने के लिए मिलता है जिसके थ्रू आप वॉइस कमांड दे सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बेटर फीचर है कंपेयर देन इस एंड्रॉइड बॉक्स के। इस एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर हमको जो रिमोट देखने के लिए मिलता है उसके अंदर किसी भी टाइप का वॉइस असिस्टेंट नहीं है। अमेज़न फायर स्टिक के अंदर हमको एलेक्सा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है जिससे आप अपनी कमांड के थ्रू इसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं जो कि एक बेनिफिट पॉइंट है। उसके साथ साथ 1080p की आपको रेजुलेशन देखने के लिए मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि इस एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर आपको 4K रेजुलेशन देखने के लिए मिलती है और अमेज़न फायर स्टिक के अंदर आप सिर्फ 1080p की रेजुलेशन आपको देखने के लिए मिलती हाईएस्ट। उसके साथ साथ इसके अंदर भी क्वाड कोर का प्रोसेसर दिया गया है जो कि 1.7 GHz के प्रोसेसर रेंज पर आता है। इसके अंदर भी वाईफाई का सपोर्ट दिया गया है जिसकी फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रैम एंड इंटरनल मेमोरी की। अगर मैं इस एंड्रॉइड बॉक्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 2GB की हाईएस्ट रैम प्लस 16GB की इंटरनल मेमोरी आपको देखने के लिए मिलेगी जिसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के थ्रू या फिर मेमोरी कार्ड के थ्रू। और अगर मैं बात करता हूँ अमेज़न फायर स्टिक की तो इसके अंदर आपको 1GB की रैम और 8GB की इंटरनल मेमोरी देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करते हैं इन दोनों के सबसे मेन पॉइंट के बारे में, वो है इनका यूज़र इंटरफेस यानी कि UI कि किस टाइप का यूज़र एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा इन दोनों बॉक्स के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ एंड्रॉइड बॉक्स की तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो क्लीन एंड सिंपल है, ये ओल्ड वर्जन के साथ हमको देखने के लिए मिलता है। इसका एंड्रॉइड वर्जन 10 है, बाकी इसके अंदर जो यूज़र इंटरफेस हमको प्रोवाइड किया गया है उसकी यहाँ पे ओवरऑल जो इंटरफेस या लुकिंग है वो थोड़ी ओल्ड OS टाइप हमको देखने के लिए मिलती है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का सपोर्ट इसके अंदर हमको देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अमेज़न फायर स्टिक लाइट के बारे में तो इसका यूज़र इंटरफेस मोर देन बेटर है कंपेयर देन इस एंड्रॉइड बॉक्स के। इस अमेज़न फायर स्टिक का जो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड एडवांस है, बहुत ही आसानी से आप एप्लीकेशन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से आप ब्राउज फीचर के थ्रू किसी भी टाइप के शो या फिर मूवीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। साथ साथ इसके अंदर भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके डिज़ाइन के बारे में कि ओवरऑल इन दोनों बॉक्स के अंदर आपको किस टाइप की डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करता हूँ इस एंड्रॉइड बॉक्स के बारे में तो इसकी जो
डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। इसके अंदर आपको एक बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, एक HDMI केबल देखने के लिए मिलेगी, एक एडाप्टर प्लस एक रिमोट आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके थ्रू आप एंड्रॉयड वर्जन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ अपनी LED को एंड्रॉयड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसके बॉक्स की बात करूँ तो इसका बॉक्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट के साथ साथ लाइट वेट डिज़ाइन के साथ आता है, जो कि गुड लुकिंग आपके सेटअप बॉक्स या फिर ओवरऑल आपके सेटअप को यहाँ पर देगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ Alexa के बारे में, तो इसके अंदर आपको एक स्ट्रीम डिवाइस देखने के लिए मिलेगा, पावर केबल देखने के लिए मिलेगी, HDMI केबल देखने के लिए मिलेगी, साथ साथ एक्सटेंडर एडाप्टर देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारी ऐसी LED होती है जिसके अंदर इतनी स्पेस नहीं होती है LED के पीछे कि आप यहाँ पे Amazon Fire Stick को पुट कर सके HDMI पोर्ट में, तो उस कंडीशन में इसके अंदर हमको एक एक्सटेंडर देखने के लिए मिलता है, जिसके थ्रू आप अपनी केबल को यहाँ पर बाहर निकाल के जो आपका यहाँ पर डिवाइस है Amazon Fire Stick उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो ये जो बॉक्स है मुझे मोर देन बेटर लगा है कंपेयर देन यहाँ पे Amazon Fire Stick, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इन दोनों के सबसे मेन फीचर के बारे में, जिससे ही हम अपनी LED को एंड्रॉयड बनाना चाहते हैं, वो है OTT प्लेटफॉर्म, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि इन दोनों में से कौन से डिवाइस में ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म का सपोर्ट हमको देखने के लिए मिलेगा मोर देन बेटर एक्सपीरियंस के साथ। अगर मैं एंड्रॉयड बॉक्स की बात करूँ तो इसके अंदर हर तरीके के OTT प्लेटफॉर्म का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, साथ साथ प्ले स्टोर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर मैं Amazon Fire Stick की बात करूँ तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। कंपनी ने प्री इंस्टॉल यहाँ पे जो पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म है वो आपको प्रोवाइड करवाया है, जिसके अंदर शामिल है Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Hotstar, Voot, तमाम जितने भी OTT एप्लीकेशन उनमें से जो पॉपुलर है उन सभी का सपोर्ट आपको इंटरनल इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी एप्लीकेशन या कुछ ऐसी OTT प्लेटफॉर्म अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं Amazon Fire Stick के प्ले स्टोर से। ऑलराइट, अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ ना, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही आपके पैसे बचाएगा, आपकी रिक्वायरमेंट को फिलफिल करेगा। ये जो एंड्रॉयड बॉक्स है इसके अंदर हमको सबसे बड़ा बेनिफिट ये देखने के लिए मिलता है कि इसके अंदर हम एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू सारे लाइव चैनल, सारे OTT प्लेटफॉर्म के शो मूवीज़ को फ्री में देख सकते हैं, वो भी 720p रेजोल्यूशन के साथ। इसके ऊपर पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक आपको या तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप जितने भी लाइव चैनल आते हैं टाटा स्काई, वीडियोकॉन, डिश टीवी पे, उन सभी को आप फ्री में देख सकते हैं सिर्फ इंटरनेट की मदद से। जितनी भी लेटेस्ट मूवी, जितनी भी लेटेस्ट शो सीरीज़ आती है उन सभी को भी आप फ्री में यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी HD क्वालिटी के साथ, साथ साथ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस एंड्रॉयड बॉक्स को यहाँ पर खरीदते हैं तो आपके लिए ये मोर देन प्लस ऑप्शन रहेगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पर फ्री लाइव चैनल को देख सकते हैं। Amazon Fire Stick के अंदर यह फैसिलिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलती, इस वजह से मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो को आप यहाँ पे पूरा जरूर देखिएगा। अगर इस पॉइंट तक आपने वीडियो को देख लिया तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इस एंड्रॉयड बॉक्स के अंदर आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी देखने के लिए मिलती है, जिसकी मदद से आपको किसी भी टाइप का कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है लाइव चैनल के लिए, यानी कि टाटा स्काई, वीडियोकॉन, डिश टीवी, सन डायरेक्ट, इन तरीके के जितने भी यहाँ पे DTH प्लान होते हैं, पैकेज होते हैं, उनको लेने की जरूरत आपको नहीं है अगर आप ये वाला यहाँ पे बॉक्स यूज़ करते हैं। इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बना रखी है उसको आप एक बार देख लेना और आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस एक्चुअली में होती कैसे। और यही वो बातें थी जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थी। अब मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना कि आप एंड्रॉयड बॉक्स को यहाँ पे बाय करना चाहते हैं या फिर Amazon Fire Stick लाइट को बाय करना चाहते हैं। अगर मैं इनकी प्राइस की बात करूँ तो इनके प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं है। मुझे कमेंट करके आप जरूर यहाँ पे बताना कि इन दोनों डिवाइस में से कौन सा आप डिवाइस यहाँ पे लेना चाहेंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के इंटरेस्टिंग कंपेरिजन वीडियो मैं आपकी डिमांड पर लेके आता हूँ मेरे इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऑलराइट, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ ऑफ टॉप टॉपिक, इस बात का इस एंड्रॉयड बॉक्स से कुछ लेना देना नहीं है, बस एक सिंपल सा सवाल है जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पैरामेंट जो कि मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, आपको क्या लगता है पैरामेंट किसने यहाँ पे किसने यहाँ पे बनाया है, इसके मेकर कौन थे? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि एलन सिविलाइजेशन ने इस पैरामेंट को यहाँ पे बनाया है, या फिर आपको लगता है कि जो पुराने ज़माने में जो एंशंट यहाँ पे लोग थे उन्होंने पैरामेंट को बनाया है? और पैरामेंट के अंदर आखिर ऐसा क्या है कि उसको इस टाइप की डिज़ाइन यहाँ पे दी गई है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसका जवाब मुझे पता है, मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको इस बारे में क्या लगता है। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है पैरामेंट किसने बनाया। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।